हमारे आसपास के लोग हमें प्रेम करें, हमारे आसपास के लोग हमें सम्मान से देखें, वो एक खोज में हम एक चीज़ को भूल गए हैं कि कभी झांक के ये देखें, कभी अपने आप में ये देखें कि मैं खुद को कितना प्रेम करता हूँ, खुद के प्रति मुझे सम्मान का कितना अनुभव होता है। यस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की अनुभूति, खुद में सम्मान की अनुभूति। फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक दूसरे को इंस्पायर करते जाएंगे और जीवन की वैल्यूज़ को खोजते जाएंगे। तो आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम अनशेकेबल बने रहे, चाहे कितना भी फेलियर आए या परेशानियाँ आ जाए पर हम अपने आप को स्थिर रख पाए, वो कब हो सकता है? वो जो एलिमेंट है, दैट इज सेल्फ एस्टीम। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू बूस्ट अप सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाए। तो ये टॉपिक दो पार्ट में होगा, ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि आत्मसम्मान क्या है, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम एंड व्हाट इज लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। जब आत्मसम्मान का अभाव होने की वजह से हमने अपने ही जीवन को कैसा बना के रखा है। फिर सेकेंड पार्ट में हम ये देखने वाले हैं हाउ टू रियली बूस्ट अप, क्या ऐसी चीजें अपनाएं लाइफ में ताकि हम आत्मसम्मान को और बढ़ाएं। तो ये दोनों पार्ट आपको पूरा देखना है, समझना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सो लेट अस ओपन अप द टॉपिक। दोस्तों, आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, यू नो, उसमें देखो कैसा होता है, एक गोल पोस्ट यहाँ बना है, एक गोल पोस्ट यहाँ बना हुआ है, यहाँ के प्लेयर्स कंटिन्यूसली फुटबॉल को किक मारते जाते हैं और इस साइड पे जो गोल पोस्ट बना है उसमें फंसाने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ के प्लेयर्स कंटिन्यूसली फुटबॉल को किक मारते जाते हैं और इस ऑपोजिट साइड में जो गोल पोस्ट बना है उसमें बॉल को फंसाने की कोशिश में लगे हैं। जब बॉल गोल पोस्ट में फंस जाता है तब लोग सेलिब्रेट करते हैं, कम ऑन, गोल कर दिया। थोड़ा गौर से देखो तो फुटबॉल की क्या सिचुएशन है, फुटबॉल के लिए अपना कोई जगह नहीं है, जहां पे लोग किक मारे वहां पे वो जा रहा है। अल्टीमेटली लोग तो लगे हैं उसको वो गोल पोस्ट में फंसाने के लिए। फ्रेंड्स, यहां पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा अपने आप को पूछो, जाग करके पूछो, खुद को पूछो, क्या मैं फुटबॉल हूं? आप सीधा बोलोगे नहीं, पर आप देखो, जीवन को करीबी से देखो, हम कई बार फुटबॉल बन रहे हैं। फुटबॉल के मैच में तो एक्चुअली वो प्लेयर फुटबॉल को जोर से किक मारता है तब वो फंसता है, पर हमारे साथ तो लोग दूर बैठे बैठे हमें फंसा रहे हैं। Why it is happening? I'll tell you, this is low self-esteem. वो आत्मसम्मान की कमी की वजह से हम आराम से परिस्थितियों में फंसते रहते हैं, यू नो, विक्टिम बन जाते हैं, परिस्थिति के शिकार बन जाते हैं। दिस इज लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। लोगों के ओपिनियंस और लोगों के शब्दों में बहुत इजिली फंस जाते हैं, खुद के ऊपर का विश्वास ऐसे चला जाता है। दिस इज लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। हमें अपने सक्सेस के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर सक्सेस मिल भी गया, कुछ अचीव कर भी लिया तो खुद के ऊपर डाउट्स आते हैं, पर हमें अपने फेलियर के ऊपर पूरा भरोसा है। हमें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा नहीं है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, लेकिन हमें अपने वीकनेसेस के ऊपर पूरा भरोसा है। इस सीक्रेट को समझना पड़ेगा, फेलियर के ऊपर भरोसा है, वीकनेसेस के ऊपर भरोसा है। सो वही वाइब्रेशंस को हम क्रिएट करते हैं और वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए लो सेल्फ एस्टीम के साथ, आत्मसम्मान की कमी के साथ कोई बड़ा काम, बड़ा सक्सेस आप नहीं अचीव कर सकते। खुद को बदलने की जरूरत है यहाँ पे। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम को बूस्टअप करने के लिए, अनशेकेबल बनने के लिए लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम को देखना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ क्या होता है जिसकी वजह से मेरी एनर्जी डाउन चली जाती है, उस बात को खोजना पड़ेगा। कहां कहां मैं फंसा हुआ हूं, किसने मुझे फंसाया है? लगता है किसी और ने फंसाया आपको, परिस्थिति ने या लोगों ने फंसाया, पर रहस्य की बात यह है, खुद के प्रति जो सेल्फ एस्टीम की कमी है,
इसीलिए उतने समय तक आप फंसे रहोगे। अगर उसमें से निकलना है तो अपने सम्मान को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये बात पे आते हैं, व्हाट इज एक्चुअली सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान क्या है। जिंदगी को अगर करीब से देखो तो सक्सेस या फेलियर का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। हमेशा सक्सेस मिलता रहे वैसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा फेलियर मिलता रहे वैसा भी पॉसिबल नहीं है। कभी सक्सेस कभी फेलियर, कभी कुछ गया टूट गया बिखर गया खत्म हो गया, या कभी बहुत कुछ मिलता भी है। कई बार परिस्थिति ऐसी है जिसमें रियली आपका अपमान हुआ है, या कई बार आपको सम्मान भी मिलता है। सेल्फ एस्टीम क्या है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना बड़ा सक्सेस हो, उस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, और चाहे कितना बड़ा फेलियर भी आ जाए, उस वक्त भी आप क्या फील कर रहे हैं। जितना हाई एनर्जी, जितना खुद के प्रति श्रद्धा, जितना वो अंदर का प्रेम, जितना वो अंदर का सम्मान, आप सबसे ज्यादा हायर अचीवमेंट या हायर सक्सेस के साथ जो फील करते हैं, वो ही आप चाहे कितना भी फेलियर आ जाए, कितना भी नीचे गिर जाओ, पर फिर भी आत्मसम्मान तो वो ही बना रहे। खुद को देखने का जो आपका नजर है वो ना गिरे, वो तो वही बना रहे चाहे कितना भी फेलियर आ जाए। सक्सेस फेलियर वो बाहर की परिस्थिति है, बाहर की परिस्थिति में चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो, पर खुद के प्रति जो सम्मान है वो दोनों स्थिति में एक रूप हायर बना रहे, वो है सेल्फ एस्टीम। अभी राइट नाउ इन दिस मोमेंट आपके पास क्या है या क्या नहीं है, दैट डजंट मैटर एनीथिंग, उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, पर वो दोनों स्थिति में आप क्या फील करते हैं खुद के बारे में, दैट मैटर्स। फ्रेंड्स, योर सेल्फ एस्टीम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पोजिशन और द पोजिशन यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत हायर पोजिशन पे काम कर रहे हैं, या उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उसके बावजूद भी वो आत्मसम्मान की कमी को महसूस कर रहे हैं, वो खुद में ही पता चलेगा। सिंपल एक पहचान बताना चाहता हूं, सब कुछ होते हुए सब कुछ फेवरेबल हो रहा, फिर भी खुद पे विश्वास नहीं आ रहा है, खुद पे वो जो अनकंडीशनल श्रद्धा बननी चाहिए वो नहीं आ रही है, इट इज लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। आप कितने सक्सेसफुल है वो कौन डिसाइड करेगा, आप स्वयं डिसाइड करेंगे, पर आपकी सक्सेस या फेलियर का पैरामीटर्स दुनिया की नजर में आपने दे दिया है, दुनिया आपके लिए डिसाइड कर रही है whether you are successful or not, this is lack of self-esteem। आप आसपास की अपनी दुनिया देखो, कहीं ना कहीं मन में दुनिया से सम्मान की अपेक्षा है, there is intense desire that people should respect you, या तो फिर दुनिया से अपमानित हो जाने का कहीं ना कहीं डर है, पता नहीं लोग मेरा अपमान तो नहीं करेंगे, लोग मुझे गलत तो नहीं समझ लेंगे, मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोल देंगे, दिस इज लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, जब आप ये तीन प्रश्नों के आंसर को खोजोगे या लिखोगे तो आपको अपने आप से पहचान हो जाएगी कि एक्चुअली आप खुद में कितना आत्मसम्मान को अनुभव करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, आप आंख बंद करके बैठो, दो मिनट के लिए मन को पूरी तरह से शांत कर दो, और आप अपने आप में देखो आप खुद के प्रति क्या फील करते हैं। अभी सब कुछ भूल जाओ, पूरा फोकस खुद में ले आओ, और ये आप देखो खुद के प्रति आप क्या फील कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं, खुद में आपको स्ट्रेंथ नजर आती है या खुद में आपको वीकनेस नजर आती है, खुद में श्रद्धा का अनुभव हो रहा है या विश्वास नहीं आ रहा है, खुद में आप कंटेंटमेंट का अनुभव करते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं, या डिसकंटेंटमेंट अतृप्ति का अनुभव करते हैं, ये तीनों पैरामीटर्स को चेक करो, हाउ डू यू फील फॉर योरसेल्फ, बिकॉज दैट मैटर्स। सेकंड एक्सरसाइज, आप थोड़ा सा देखो, पेन पेपर लेके बैठो और चेक करो अपने आप में आप फेलियर के साथ कैसे डील करते हैं। देखो, फेलियर बहुत स्वाभाविक चीज है, लेकिन आप उसके साथ डील कैसे करते हैं, That depends on level of your self-esteem. यहाँ पे तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, एक फेलियर आया
या मैं कहता हूं दो फेलियर हुआ और आपने वो कार्य को या क्षेत्र को छोड़ दिया और भागे, चेक करो। दूसरा ऑप्शन, फेलियर के बाद भी आप उस कार्य के साथ रहे, करते गए, पर बहुत ज्यादा पीड़ा है, स्ट्रेस है, ग्रम्बलिंग है, कंप्लेन है, वो मनोस्थिति के साथ आप बने रहे। आपके पास चॉइस नहीं है, उसी के साथ रहे, लेकिन लॉट ऑफ लो एनर्जी, फेलियर हावी हो गया। और तीसरा, एक फेलियर और फिर वापस उस कार्य को और बड़े फोर्स के साथ करने लगे, फिर थोड़ा सा फेलियर आया, पर फिर और फोर्स के साथ और एंथुजियाज्म के साथ करते गए, और आपका ये एटीट्यूड है नई नई संभावनाओं को खोलते जाना, ओपन अप न्यू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विथ ईच फेलियर। सो ये तीन ऑप्शन में आप कहाँ पे बैठते हो, थोड़ा सा देखते जाना। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आप अपने आप को कितना प्रेम करते हैं, कितना सम्मान को अनुभव करते हैं खुद के प्रति। 1 to 10 में अगर आपको देना है तो आप कितने पॉइंट खुद को देंगे, स्वयं को आप कितना प्रेम करते हैं। फ्रेंड्स, ये जब तीनों एक्सरसाइज आप करेंगे तब बहुत कुछ निकलने वाला है। सो इट इज नॉट ओनली यू आर वॉचिंग वीडियो, बट इट इज यू हैव टू बी विद द प्रैक्टिसेस जो हम इस चैनल में सीखते जाते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे पॉज दे रहा हूँ। अभी तो हमने सिर्फ यही बात की है कि अपने सेल्फ एस्टीम को पहचानो। नेक्स्ट सेशन में हम ये बात करने वाले हैं कैसे आत्मसम्मान को बढ़ाए। फ्रेंड्स, यहाँ फिर से वही बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कमेंट में लिखो तो मुझे फीडबैक मिलता जाएगा। दूसरा, ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लाइक करना भूलना ही नहीं, आपको ये बोलना मेरा हक बनता है। अगर आप मेरी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक कीजिए, तो बहुत सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते जाएंगे विद द सेम टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।